क्या कर रही हो? वही जो हमेशा से करती आई हूँ, आपके रुमाल पर आपके नाम का पहला अक्षर काट रही। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था इला कि पहले मैं ऑफिस जाता था, बाहर जाता था, और तुम यह करती थी तो ठीक था, मगर अब तो मैं कहीं भी नहीं जाता, फिर क्यों इतनी तकलीफ कर रही? मेरी सालों की आदत है, इसे छोड़ कैसे दूं? और दूसरी बात, आप बाहर नहीं जाते तो क्या हुआ, रुमाल तो यूज करते हो ना। हाँ। इला, तुम कितना कुछ करती हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे जो करना चाहिए वो मैं भी तो नहीं कर पा रही हूँ। अब देखिए ना, समीर हमें छोड़ के हमेशा के लिए विदेश जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। हमने कल रात इस बारे में बात की थी, वो जा रहा है तो उसे जाने दो। अगर उसे हमारी इतनी सी भी परवाह नहीं है तो फिर हम क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हैं? तुम क्या पिता हो उसके? मैंने जन्म दिया है उसे, हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। और क्या करे इला, उसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दे हमेशा के लिए। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत प्यार करता है, अगर आप चाहो तो मैं उसे। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये गलती हम पहले कर चुके हैं जिसकी सजा आज तक भुगत रहे हम लोग। वो गलती हमारी नहीं बल्कि मेरे अकेले की थी। क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल बात मत करो मेरे साथ। ज्यादा बाहर खाने, एक तो तुम पहले ही परेशान हो और काम करने से ध्यान इधर उधर बैठ जाता है ना बेटा। माँ, समीर जो ये कह रहा है ना कि वो हमेशा के लिए जा रहा है, तुम देख लेना कुछ ही दिनों में अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस आ जाएगा। तुझे कैसे पता? मुझे तसल्ली देने के लिए कह रहा है ना। मैं भी क्या करूंगा, वो जा रहा है उसे मैं रोक नहीं सकता, और इस बात को लेकर तुम दुखी हो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। ले, मैं दुखी नहीं हूँ, छोड़ वो सब, तू बैठ खाना खा। बाद में खा लूंगा माँ, अभी मुझे भूख नहीं है। क्यों, तुझे क्या हुआ? वही निरंजन भैया आज फिर कुछ कह रहे थे। वो तो ऐसा ही है, उसकी बातों को तो दिल पे मत लगाया कर। चाचा जी। गायत्री, आओ आओ बेटा आओ। चाचा जी, आप वो समीर वाली बात से परेशान है ना? हाँ बेटा, और उस परेशानी में मैंने इला को भी डांट दिया। चाचा जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है चाची ने आपके गुस्से के पीछे आपके छुपे हुए दर्द को भी जरूर देखा होगा। पता नहीं बेटा, कहे तो जब इस घर में आए थे ना तो सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। राहुल अपने दुखों से दुखी है, निरंजन और रीता के बीच पता नहीं क्या मगर कुछ अनबन सी चल रही है। साफ दिखाई देता है कि खुश नहीं है वो लोग। पति पत्नी के बीच मैं और इला दखल नहीं देना चाहते। समझ नहीं आ रहा बेटा कि क्या करें। चाचा जी, निरंजन का तो नहीं पता, मगर हाँ, रीता को हम सबके साथ की बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ चाची उसे बहुत प्यार करती हैं और ये रीता के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी तूफान जितना बड़ा होता है ना, पेड़ को उतनी ही मजबूत जड़ों की जरूरत होती है। हाँ बेटा। और
आपसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है। किताब उल्टी है। आज उल्टा ही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। बैठ। नहीं नहीं चाची जी, मैं तो बस जाने वाली थी, सोचा आपको बाय बोलती चलूं। गायत्री, तू जब भी आती है ना मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन आज नहीं मिली ना। तू मेरी और अपने चाचा जी की बात कर रही है ना? तू तो अच्छी तरह जानती है हम एक दूसरे से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। चाची बस यही सुनना था मुझे। आपको पता है मैं हमेशा माँ अम्बे से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप और चाचा जी हमेशा खुश रहे। चलिए अब मैं चलती हूँ, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा हाँ, फ्रिज में बासुंदी रखिए, चाचा जी को जरूर खिला देना। पक्का। बाय बाय। राहुल के बारे में सोच रहा था, क्या वो हमेशा से दुखी रहेगा और अपने दुखों के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराता रहेगा? चलो मान लेते हैं कि गलती मेरी, तो मेरे भाई खुद को सजा क्यों दे रहा है? दरअसल वो आप ही को सजा दे रहा है। वो दुखी रहेगा तो आप भी तो सुखी नहीं रह सकते। और मैं क्या कर सकता, उसका बीता हुआ कल वापस तो नहीं ला सकता ना। देखिए आप उसका आज और आने वाला कल तो ठीक कर सकते हो ना। राहुल घर में बैठे बैठे बहुत परेशान हो जाता है, आप उसके लिए कोई नौकरी का बंदोबस्त क्यों नहीं करते? अरे नहीं जग्गी भाई, विक्रम भाई से कहना कि मैं उन्हीं के काम की फिक्र में हूं और जल्दी से जल्दी कर दूंगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। मुझसे झगड़कर आपका दिल नहीं भरता क्या, जो आप राहुल के साथ भी बदतमीजी करते रहते हैं? तुम मुझसे बात कर रहे हो, मगर हमारी बातचीत तो बंद है ना। ये बातचीत नहीं है। ओ, ये झगड़ा है। वो क्या है ना कि तुमने मुझे रूल्स ठीक से समझाया नहीं है ना। मजाक करने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। कौन सी बात? मेरी और राहुल की बात। अब मैं अपने भाई से क्या और कैसे बात करूंगा इससे तुम्हें क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि आप और मैं जिनके घर में रहते हैं ना वो राहुल के माता पिता है। माँ ने कुछ कहा तुमसे? मैं अभी माँ से बात करता हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे और इस बारे में माँ से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। राहुल आपका सगा छोटा भाई है और आप अच्छे से जानते हैं कि वो किस हालात से गुजर रहा है। नौकरी नहीं है उसके पास और न जाने क्या क्या टेंशन है, और आप उसे बिना मतलब कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। मैं उसकी टेंशन और प्रॉब्लम के बारे में सोचूं, मगर मेरी टेंशन और प्रॉब्लम की परवाह है किसी को? कोई सोचता है मेरे बारे में? क्यों, क्या हुआ? ओह, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया क्या, या फिर उसने कोई कीमती तोहफा मांग लिया जो आप दे नहीं पा रहे? जब तक अपनी आंखों में ये शक का काला चश्मा लगाकर घूमती रहोगी ना तुम्हें सब काला ही दिखेगा। मेरे चश्मे की चिंता मत करिए आप, लेकिन आज के बाद आप कभी राहुल से बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। भाई जब तुम्हारे कहने पे मैंने अपना लव अफेयर नहीं तोड़ा तो अब मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? अरे क्या हुआ, कोई लॉटरी निकल आई क्या? जब एक बेरोजगार को नौकरी मिलती है ना तो वो लॉटरी से भी बड़ी बात होती है। बाबूजी इस महीने के आखिरी में मैं अपना खुद का घर किराए पर ले लूंगा और आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तू हमें छोड़कर चला जाएगा? तुम भूल गई, वी हैड अ डील कि मैं यहाँ तब तक रहूंगा जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती। अब मुझे नौकरी मिल गई है तो मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट बाबूजी।